जैसे कि हमें मालूम है कि गूगल 200 से ज्यादा फैक्टर्स मयर करता है किसी भी वेबसाइट को रैंक करने के लिए अभी तक हम काफी फैक्टर्स डिस्कस कर चुके हैं और जो भी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट एक एक या उसमें एक से ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो गूगल मैर करता है उनमें से दो फैक्टर्स ये भी हैं कि आपका कॉन्टेंट कितना फ्रेश है और आप कितनी फ्रिक्वेंसी से मतलब कितनी दफ़ा आप अपना कॉन्टेंट अपडेट करते हैं इसकी बात मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक दुकान में जाते हैं या आप एक ब्रांड की आउटलेट में जाते हैं तो आप जाके देखेंगे कि नया प्रोडक्ट क्या आया है और अगर आप एक ऐसा ब्रांड जो बार बार एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है और जब भी आप जाएँ तो आपको एक नया प्रोडक्ट मिलता है देखने को तो आप एक्साइटेड होते हैं उसके ऊपर दोबारा जाने के ऊपर और फिर ये भी आप देखते हैं कि वो क्या जो नया लॉन्च होने वाला प्रोडक्ट है वो एक है या एक ही दिन में दस नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं और कितनी फ्रीक्वेंटली वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो दोनों चीज़ें रिसेंसी और फ्रीक्वेंसी कहलाती हैं रिसेंसी का मतलब ये है कि रिसेंटली लास्ट टाइम उन्होंने कब लॉन्च की थी और फ्रीकुन्सी ये है कि वो कितनी रेगुलर लॉन्च करते हैं कुछ ब्रांड है जो सिर्फ सीजनल यानी कि तीन महीने बाद या छः महीने बाद वो लॉन्च करते हैं और आपको पता होता है कि जी मैंने छः महीने बाद जाके नई चीज़ें देखनी है कुछ ब्रांड है जो हो सकता है कि वो हर महीने एक नई चीज़ लॉन्च कर रहे हो और वो आपको हर महीने वहाँ जाने का एक शौक पैदा होता है कि जी मैं देखूँ इस महीने क्या नया आया या अगले महीने क्या नया आया तो so ये वो आ, ये वो मतलब तो चीज़ है जो गूगल भी मैयर करता है आपकी वेबसाइट के लिए तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक बिज़नेस पे जाएं जो अपनी प्रोडक्ट नई लॉन्च ना कर रहा हो और जब भी आप जाएं वो सेम प्रोडक्ट आपको बार बार देखनी पड़े आप एक दफ़ा जाएं तब भी वही प्रोडक्ट्स हों आप फिर दोबारा जाएं तब भी वही प्रोडक्ट्स हों तो क्या आप उस बिज़नेस में जाएंगे दोबारा आई डोंट थिंक सो सो कोई भी बंदा वो बार बार चीज़ एक चीज़ देखने नहीं जाता उसको हर बार एक नई चीज़ चाहिए होती है चाहे वो कपड़े की दुकान है चाहे वो जूते की दुकान है या कोई भी आप और बिज़नेस करते हैं तो वो लोग बार बार एक नई चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं अनटिल के वो एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सेम सर्विस आपको बार बार चाहिए होती है जहाँ पर आप बिल जमा कराने या आप कोई लोड करवाने जाते हैं सो so, गूगल के लिए या डिजिटल के लिए हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है सो गूगल रिसेंसी को एज अ फैक्टर देखता है कि आपका कॉन्टेंट लास्ट टाइम कब अपडेट हुआ था अगर आपने वेबसाइट बनाई uh, दस साल पहले और आपने दस साल में कोई अपडेट नहीं की गूगल जब भी आपकी वेबसाइट पे आएगा वो देखेगा कि लास्ट टाइम इस पर नया कंटेंट तकरीबन तो 10 साल पहले आया था या 5 साल पहले आया था डिपेंडिंग ऑन कि अपनी वेबसाइट आप कितनी देर में रेगुलर आ, कितनी दफ़ा और कितनी जल्दी अपडेट करते हैं पॉइंट ये है कि गूगल चाहता है कि आप फ्रेश कॉन्टेंट डालें फ्रेश कॉन्टेंट डालने का मतलब क्या है कि आप हर दूसरे दिन तीसरे दिन जितनी आपकी कैपेसिटी है आप नया कुछ ना कुछ गूगल को दें ताकि जब भी वो आपकी वेबसाइट पे आए उसको नया कुछ मिले अगर उसको नया कुछ मिलता रहेगा तो गूगल बार बार आता रहेगा गूगल बार बार आने का मतलब ये है कि गूगल आपका सारा कंटेंट इंडेक्स करेगा और गूगल में शो भी करेगा इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका नया कंटेंट गूगल में आ जाएगा और जब लोग कुछ कीवर्ड सर्च करेंगे जिसके अगेंस्ट आपने वो कंटेंट क्रिएट किया था वो उनको मिलना भी शुरू हो जाएगा गूगल आपको पेनलाइज इस तरह से करता है अगर आप अपना कॉन्टेंट ना डालें वो बार बार आपकी वेबसाइट पर आना बंद कर देता है अगर वो जब भी आए उसको सेम कॉन्टेंट मिले तो वो दोबारा देर बाद आएगा और अगर फिर उसको वही सेम कंटेंट मिले तो वो दोबारा एक और गैप लंबा गैप देगा उसके बाद आएगा वो करते करते एक वक्त ऐसा होगा कि वो महीनों आपकी वेबसाइट पर आएगा ही नहीं क्योंकि उसको ये पता है कि आपकी वेबसाइट पर कुछ उसको नया नहीं मिलेगा लेकिन इसके बरक्स अगर आप ये देखें कि न्यूज़ वेबसाइट्स में जैसी खबर अखबार में पब्लिश होती है वैसी गूगल में सर्च भी हो जाती है इसका मतलब ये हुआ कि न्यूज़ की वेबसाइट में चूंकि कंटेंट बड़ा फ्रिक्वेंटली और बड़ी तेज़ी से अपडेट होता है तो उसका हर दफ़ा कंटेंट कुछ घंटों पहले ही पोस्ट हुआ होता है या कुछ मिनट्स पहले ही पोस्ट हुआ होता है तो एक तो उसमें रिसेंसी बहुत होती है कि अभी अभी पोस्ट हुआ जब भी गूगल आता है उसको कुछ नया मिलता है फिर एक उसमें यह भी चीज़ बड़ी काउंट होती है कि उसमें कितना कॉन्टेंट पोस्ट हो रहा है अब चूँकि न्यूज़ का बिजनेस ही कॉन्टेंट है तो वो दस पंद्रह बीस तो बहुत कम बात है तकरीबन पचास साठ आर्टिकल मे बी सौ आर्टिकल्स भी हर रोज़ पब्लिश कर रहे होते हैं सो गूगल जब भी आता है तो उसको सौ नए आर्टिकल इंडेक्स करने को मिलते हैं जिसकी वजह से वो उन वेबसाइट्स को ज़्यादा जल्दी क्रॉल करता है और कुछ ही मिनट्स में वो फ़ौर सब को क्रॉल कर लेता है सो so ये चीज़ अंडरस्टैंड करते हुए हमें भी अंडरस्टैंड ये करना है कि हमारे बिजनेस के लिए रिसेंसी और फ्रीक्वेंसी ये दोनों चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं रिसेंसी यानी कि हमें फ्रेश कॉन्टेंट हर वक्त चाहिए और फ्रिक्वेंसी यानी कि हमें बार बार कॉन्टेंट डालना है तो हम हर हफ्ते हर रोज़ या हर महीने एक फ्रीक्वेंसी सेट कर लें ताकि गूगल जब भी आए उसको पता हो कि ये वेबसाइट लाइव है सवाल यहाँ पर यह उठता है कि हमें गूगल को बार बार अपनी वेबसाइट पर क्यों बुलाना है क्यों हम रिसेंसी और फ्रीक्वेंसी को फोकस करें वेबसाइट बन गई है तो क्या फ़र्क पड़ता है गूगल आए या ना आए जी फ़र्क पड़ता है क्योंकि अगर आपकी कंटेंट अपडेटेड नहीं होगा अगर वो रिसेंसी और फ्रीक्वेंसी गूगल को लगेगा कि कम है या बिल्कुल नहीं है तो गूगल आपकी वेबसाइट में आना छोड़ देगा और इससे नुकसान ये होगा कि जब आप नया कॉन्टेंट पब्लिश करेंगे तो वो गूगल में जल्दी एक तो नजर नहीं आएगा और दूसरा ये कि गूगल आपको प्रमोट भी नहीं करेगा क्योंकि गूगल को ये लगता है कि अगर आप अपने बिज़नेस के बारे में सीरियस नहीं हैं तो वो भी आपको एक्सपोजर नहीं देगा और ये और भी चैलेंजिंग हो जाता है जब आपका कंपेटिटर सेम बिज़नेस में सेम कंटेंट बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अपडेट कर रहा है सो जब वो फ्रिक्वेंटली अपडेट करेगा गूगल उधर ज़्यादा जाएगा और उसको ज़्यादा प्रमोट करेगा लेकिन इस सब में हमने एक जो चीज़ मिस की वो थी यूज़र्स तो यूज़र्स भी अगर आपकी वेबसाइट पर बार बार आ रहे हैं उनको वही पेजस सेम मिल रहे हैं उनको कोई नया कंटेंट नहीं मिल रहा तो भी आना छोड़ देगा क्योंकि उसको पता है कि जब भी वो आएगा उसको वही चीज़ मिलेगी लेकिन अगर आपका कॉन्टेंट रोज़ अपडेट हो रहा हो और यूज़र को कुछ नया देखने को मिलता हो तो बार बार आएगा उससे आपका जो है वो एक ट्रैफिक भी बढ़ेगी यूज़र एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और अगेन वो पॉसिबिलिटी भी बढ़ेगी कि वो दूसरे लोगों को भी बताएं कि जी ये वेबसाइट है जो रेगुलरली कंटेंट अपडेट करती है और वो नया कंटेंट ऐड करती है तो रिसेंसी और फ्रीक्वेंसी देखने में तो शायद इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं इसका शायद डायरेक्ट एस पे इम्पेक्ट भी नहीं होगा लेकिन ये इनडायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि अगर आपका कॉन्टेंट अपडेट नहीं हो रहा और एक फ्रीक्वेंसी के तहत नहीं आ रहा तो गूगल आपको डिमोट करेगा यूज़र आपको छोड़ के चला जाएगा और अल्टीमेटली आपकी एस जो एक्सपर्ट्स हैं वो फ्लॉप होना शुरू हो जाएंगी